हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में हम मिक्सचर और कंपाउंड के डिफरेंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड राइट मिक्सचर एंड कंपाउंड मिक्सचर इज ऑबटेन्ड व्हेन टू आर मोर एलिमेंट्स आर कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर विदाउट इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ एनी न्यू कंपाउंड मिक्सचर में क्या होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड सिर्फ एक दूसरे के अंदर मिक्स होते हैं एक फ़िज़िकल चेंज आता है केमिकल चेंज नहीं आता है तो फिज़िकल चेंज आने के कारण वहाँ पे कोई न्यू कंपाउंड नहीं बनता है कंपाउंड में क्या होता है कि एलिमेंट्स रिएक्ट कर जाते हैं केमिकली राइट एलिमेंट्स जो हैं रिएक्ट करते हैं केमिकली और एक न्यू कंपाउंड बन जाता है राइट right? मिक्सचर में क्या होता है मिक्सचर इज़ फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ़ फिजिकल चेंज यहाँ पे फिजिकल चेंज आती है कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज राइट मिक्सचर के जो कॉन्सीचुएंट्स होते हैं मिक्सचर किस चीज़ से मिलके बना है कैन बी इजिली सेपरेटेड बाई फिज़िकल मैथड्स हम उनको फिजिकल मैथड से सेपरेट कर सकते हैं जैसे फिल्ट्रेशन इवेपोरेशन डिस्टिलेशन सबलीमेशन एक्सट्रैक्शन विद सॉल्वेंट्स जो हमने सेपरेटिंग फनल मैथड पढ़ा था और मैगनेट वगैरह इससे हम जो है मिक्सचर्स के कॉन्सुंट्स को सेपरेट कर सकते हैं जो कंपाउंड के मिक्सचर्स हैं यहाँ पे कंपाउंड है द कॉन्सुट्स ऑफ कंपाउंड कैन नाट बी सेपरेटेड बाई एनी फिजिकल मैथड बट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाई केमिकल मैथड और एलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस जहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का सप्लाई करें राइट हीट वगैरह का राइट अ मिक्सचर शोज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टुन मिक्सचर किस चीज़ से बना है उन्हीं चीज़ों की प्रॉपर्टी शो करता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड आर आल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिचुएंस तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कॉन्स्िचुएंट से बिल्कुल अलग होती हैं राइट कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इज़ वेरिएबल मिक्सचर की कंपोजिशन वेरिएबल होती है द कॉन्सीचुएंस ऑफ द मिक्सचर कैन बी प्रेजेंट इन एनी प्रोपोर्शन किसी भी रेशो में प्रेजेंट हो सकते हैं मिक्सचर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड फार्मूला लेकिन जो कंपाउंड की कंपोजिशन है वो फिक्स होती है ज कॉन्स्टिचुएंट एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन फिक्सड प्रोपोर्शन बाई मास कम्पाउंड का एक डेफिनेट फॉमूला होता है मिक्सचर डज नॉट है फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लेकिन कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है मिक्सचर में भी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस लेकिन कंपाउंड जो है होमोजीनियस होता है राइट right? एनर्जी चाहे वो लाइट की फार्म में है चाहे वो हीट की फार्म में है इज नाइदर एब्जर्वड नार इवाल्व डिंग फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर जब भी मिक्सचर फॉर्म होता है तो हीट और लाइट जो है एब्ज़र्ब नहीं होती लेकिन जब कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है तो एनर्जी जो है हीट और लाइट की फॉर्म में या तो एब्ज़र्ब होगी या तो इवॉल्व होगी प्रोड्यूस होगी राइट right? तो इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं ओके थैंक यू